धमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित घटना का खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है। इस घटना में एक नौकर द्वारा अपने ही मालिक की गाड़ी और गाड़ी में रखे 5 लाख रुपयों की चोरी बड़े नाटकीय अंदाज में करने का प्रयास किया गया था, परंतु साजिश करने वाले ये भूल गए कि दुर्ग पुलिस प्रदेश की सबसे बेहतर पुलिसिंग के लिए जानी जाती है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े यह तीनों आरोपी दिलशान अली, सिकंदर और शफात खान हैं। इसमें से आरोपी दिलशान अली ने अपने ही मालिक की स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG04 MP4194 और उसमें रखे हुए 5 लाख रुपए की चोरी करने का शानदार षड्यंत्र रचा और अपने षड्यंत्र में अपने दो साथियों को भी उसने शामिल कर लिया और इस घटना को अंजाम देने के बाद खुद ही प्रार्थी बनकर थाना पहुंच गया, जहां से तफ्तीश करने पर पता चला कि प्रार्थी ही सबसे बड़ा अपराधी है। घटना की जानकारी दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दी है। तीन लोग मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपने मालिक को 5 लाख रुपए लूटने की इन्होंने जो है एक षड्यंत्र रचा। राजनांदगांव से मालिक ने इसको 5 लाख रुपए लेके रायपुर पहुंचाने के लिए कहा था। रास्ते में इसने दो लोगों को बुलाया और खुद ही 5 लाख रुपए गायब करवा के थाने में आके झूठी रिपोर्ट की। जब इससे ध्यान से पूछताछ की गई, जो गाड़ी जहाँ से पैसा गायब हुआ था उस गाड़ी का लोकेशन निकाला गया, तो ये तो गाड़ी जो है धमदा से करीब 30 किलोमीटर आगे जो है एक शमशान जगह पे छोड़ के ये भाग गए थे। गाड़ी से 4,64,000 रुपये जो है वो रिकवर हुआ है, कुछ पेन ड्राइव रिकवर हुआ है, ATM रिकवर हुआ है। पूछताछ में मालूम चला कि जो सिकंदर जो मेन मास्टरमाइंड था वो 1 लाख के उसने जो है लोगों से पैसा उठा रखा था, उधार रखा था काफ़ी, उसने गाड़ियां लोन पे ले रखी थी, तो उसने इसी पैसों से लूट के इसको अपने लोन को भी रीपे करने में और उधार चुकाने में काम आ सकता था। तो एक ये षड्यंत्र था जिसको पुलिस ने खुलासा किया। इस घटना को आरोपी ने पूर्णतः नाटकीय रंग देने का प्रयास किया था, परंतु वह नहीं जानता कि दुर्ग पुलिस पूरे प्रदेश भर में अपनी बेहतर पुलिसिंग के लिए जानी जाती है। जैसे ही मामला दुर्ग पुलिस के संज्ञान में आया, वैसे ही पुलिस ने पूरी तत्परता से घटना से जुड़े बारीक से बारीक पहलुओं पर गौर करना प्रारंभ कर दिया और लगभग खैरागढ़ से रायपुर के बीच लगे 150 CCTV कैमरों को खंगालने के बाद आरोपियों के गिरफ्तार तक पहुँच गयी। पहले हमने जो मेन मास्टर माइंड था सिकंदर के CDR क्वालिटी रिकॉर्ड को चेक कराया तो मालूम चला कि दो लोगों के साथ ही पूरे टाइम कॉन्टेक्ट में था। उन दो लोगों का मोबाइल लोकेशन निकाला गया तो उनमें से एक का लोकेशन जो है धमदा के पास पाया गया और जो घटना का जो समय था वो मैच कर रहा था। पुलिस ने उसको दबिश देके उसको पकड़ा। फिर उसका जो लोकेशन हमने निकाला तो उसका लोकेशन बिल्कुल मैच कर रहा था। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा कबूला गया और उसके बाद जो है उसने बताया कि उसने पैसा सिकंदर को दिया है, तो सिकंदर को बुलाया गया। जब वो फंसने लगा तो उसने पूरी बातों का खुलासा किया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया और आरोपियों से पत्रकारों के सामने ही सारी घटना को बताने कहा। दुर्ग पुलिस के इतने मुस्तैद होने के बाद भी आरोपी इन्हें चुनौती देना नहीं छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर चुनौती देने के बाद अंजाम एक जैसा देखा जाता है कि पुलिस अपने जज्बे और मुस्तैदी की वजह से किसी भी मामले को चंद दिनों में ही सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।